प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार LRC का ज्वाइनिंग को लेकर कई सारे लोगों का अलग अलग डाउट से यहां पे जो है पूछे जा रहे हैं। तो इन तमाम डाउट्स को मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो जो डाउट्स है, जो सवाल है यहाँ पर एक कैंडिडेट का, वो सवाल ये है कि सर, या कोई हमें ये बता दे कि जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, बिहार का बना हुआ है, लेकिन आधार कार्ड में एड्रेस अदर स्टेट का है, कोई प्रॉब्लम होगा क्या ज्वाइनिंग के टाइम? तो देखो डियर, आधार कार्ड आप जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में रह रहे हो वहाँ का एड्रेस पे बना हुआ होता है, या हो सकता है कि आप 2-3-4 महीने वहाँ पर रहे या 2-3 साल वहाँ पे रहे, वहाँ का आपने आधार कार्ड बनवा लिया, उसके बाद आप बिहार आ गए और बिहार में रह रहे हो, बट आपने अपने आधार को करेक्ट नहीं करवाया, एड्रेस चेंज नहीं करवाया, तो इससे कोई ज़्यादा इशूज़ नहीं है। अगर आप आधार कार्ड में एड्रेस करेक्शंस को भी डालोगे तो उसमें आपका जो है क्या होगा कि हाँ, आप यहाँ पर चेंज करवाया, आधार नंबर आपका सेम रहेगा, आधार नंबर चेंजेस नहीं होते हैं, आधार नंबर एक ही रहेंगे, आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, या मान लो कि आप इन फ्यूचर फ़ोटो चेंज करवा रहे हो तो फ़ोटो चेंज हो जाएगा, तो सारी चीज़ें चेंजेबल है ना, तो इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। आप बिंदास होकर आप जाके ज्वाइन करो, कोई दिक्कत आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है। ओके, बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे LRC से रिलेटेड, ज्वाइनिंग से रिलेटेड, या जो भी नोटिस आप लोगों के लिए जारी किया जाएगा LRC डिपार्टमेंट के तरफ से, सारी नोटिस आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।